तो जैसा कि आपके पास क्वेश्चन रिक्वायर्ड है, इक्वेशन ऑफ लाइन लिखना है, दो पॉइंट्स होके जाने वाले लाइन की इक्वेशन है ना। तो इसके लिए आप 10th में काफ़ी फॉर्मूले पढ़ते थे। खैर, हमें यहाँ पे डिटर्मिनेंट को इस्तेमाल करना है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हम कह रहे हैं कि ये पॉइंट सपोज ए है जिसका कोऑर्डिनेट 1.2 है, ये पॉइंट बी है जिसका कोऑर्डिनेट आपका क्या हो गया 3.6 हो गया, अगर इनको ज्वाइन करते हैं तो इस पे कोई भी अगर जनरल पॉइंट लेते हैं इस लाइन पे से पी, जो हर पॉइंट को सर्व करता है एक्स वाई है ना, इसी लाइन का मेंबर होगा, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करेंगे। इसका मतलब कि तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे, और अगर एक बार हमें ये पता चल गया कि तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं तो उनसे कोई ट्रायंगल तो बनेगा नहीं, या इमेजिनरी हम कहेंगे एक ट्रायंगल बनेगा जिसकी एरिया जीरो होगी। तो ये मैथमेटिकल आपके पास कॉन्सेप्ट होगा जिससे आप इसको रिकवर करेंगे। हम क्या कहेंगे कि इनसे जो ट्रायंगल बनेगा उसकी एरिया जीरो होगी, और फैक्ट क्या है कि ट्रायंगल तो बनेगा नहीं, है ना, बात बराबर ही है। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस ए बी एंड पी आर कोलिनियर, ये पी पॉइंट है ना, कोलिनियर इम्प्लाइज ट्रायंगल की एरिया जीरो होगी, इम्प्लाइज 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 और x3 y3 1, ये क्या हो जाएगा जीरो। टू उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, क्या हो जाएगा, वैल्यू भी प्लेस कर दीजिए इसी स्टेप में, दो दो काम कर लीजिए। तो टू हमने यहाँ से हटा के इधर कर दिया, और साथ में x1 y1 हम वैल्यू प्लेस कर दिए। सपोज ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, और ये x3 है, और ये y3 हो गया। क्या हो गया आपके पास, 1 2 1, फिर हो गया 3 6 1, फिर हो गया आपके पास x y और 1, है ना। तो थोड़ा सा हम लोग प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेते हैं, है ना, तो उसका भी तांडव मचा लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें ये दिख रहा है कि अगर 3 टाइम्स ला के यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दें तो यहाँ भी हमें एंट्री जीरो मिल जाएगी, यहाँ भी एंट्री जीरो मिल जाएगी, ये तो आपको ऑब्जर्व होना चाहिए। खैर, अगर नहीं भी आप कर पाते हैं तो सीधे एक्सपेंड कर दीजिए, है ना। खैर, तो हम प्रॉपर्टी लगा देते हैं, ये हो जाएगा R2 को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं सच दैट R2 माइनस 3 टाइम्स R1, क्या हो जाएगा आपका, इट बिकम 1 2 1 तो रहेगा ही, यहाँ 0 0 और -3 और +1, माइनस का 2 हो गया, है ना। उसके बाद फिर क्या हो गया आपका, ये तो वही रहेगा x y और 1 इक्वस टू 0। एक्सपेंड कर देते हैं अबाउट R2, है ना, R2 में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज हैं, तो लिखेंगे एक्सपेंडिंग अबाउट R2, ठीक है। तो -2 टाइम्स कॉलम बंद रो बंद कितना हो जाएगा, y -2x, तो y -2x इक्वल्स टू 0। अब ये -2 इधर लाएंगे, है ना, तो -2 0 से डिवाइड करोगे यू गेट द ओनली y -2x इक्वल्स टू 0। दैट इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, है ना, साफ साफ दिख रहा है पासिंग थ्रू द ओरिजिन, लेकिन ये बोला तो गया नहीं, दैट इज योर आंसर।